वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडे साउथ, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। जैसा कि आपको बताते चले कि सपनों की नगरी मुंबई की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार है, अंदर से इसका सच उतना ही काला रहा है। बॉलीवुड का नाम कास्टिंग काउच को लेकर काफ़ी बदनाम है। बॉलीवुड की कई अदाकारा कास्टिंग काउच की सच्चाई को बयां कर चुकी है। कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी कई अदाकाराओं ने तो पूरी दुनिया को कास्टिंग काउच आप बीती सुनाई है। कुछ समय पहले ही साउथ फिल्मों की अदाकारा ईशा अग्रवाल ने कास्टिंग काउच को लेकर अपना दर्द बयां किया था। दरअसल मिस ब्यूटी टॉप ऑफ द वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत चुकी ईशा अग्रवाल ने कास्टिंग काउच को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ईशा अग्रवाल ने कहा कि बॉलीवुड में एंट्री करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। लातूर जैसे छोटे कस्बे से आने के बाद मैंने बॉलीवुड में बहुत पापड़ बेले हैं। छोटी जगह से आने की वजह से बॉलीवुड आपको स्वीकार नहीं करता है। ईशा अग्रवाल ने कहा, मैंने खुद को साबित करने के लिए मुंबई का रुख किया था। शुरुआती दिनों में मैंने बहुत से ऑडिशन दिए हैं। एक कास्टिंग पर्सन ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था। मैं अपनी बहन के साथ उससे मिलने गई। इस आदमी ने मुझे कहा कि उसने बड़े बड़े सितारों को काम दिया है, वो मुझे भी अच्छा काम देगा। अचानक उसने मुझे अपने कपड़े उतारने के लिए कहा। उसने दावा किया कि शरीर देखने के बाद वो मेरे रोल का चुनाव करेगा। ये बात सुनते ही मैंने उसके साथ काम करने से इनकार कर दिया। ईशा अग्रवाल ने आगे खुलासा किया, मैं अपनी बहन के साथ वहाँ से चली गई। वो आदमी मुझे बार बार फ़ोन और मैसेजेस करता था। बाद में मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मुंबई ऐसे लोगों से भरी हुई है। नए कलाकारों को ऐसे लोगों को झांसे में आने से बचना चाहिए। अगर आप में दम है तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। वैसे आप लोग इस पूरे मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।